आप करो सर, आप करो। अधिकारियों, शिक्षक साथियों, पूर्व कार्यकारी के समस्त सदस्यगण, दिल्ली से आए हुए मेरे सहयोगी संदीप जी, देवेंद्र जी और शर्मा जी, आपने बहुत प्यार के साथ, सबकी सहमति के साथ, और जो आपने कहा लोकतांत्रिक, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक, उसी तरीके से आपकी हमने काम किया। हालांकि ये काम हमारा नहीं था, शेर के साथ उनका नहीं, आप संभालो, हम जरूर संभालो, हम तो आपको देख रहे साथियों। आज जिस मुकाम पर हरियाणा राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है, जो आपने उपलब्धि हासिल की है, एक पड़ोसी होने के नाते मुझे उस पर गर्व है। और न केवल गर्व है बल्कि मैं अपने आप को इस राज्य का एक हिस्सा ही समझता हूँ। इसलिए जितनी बार आपके बीच में आता हूँ, मुझे लगता है कि मैं हरियाणा प्रदेश का एक अध्यापक हूँ, और जब आप दिल्ली आते हैं तो मुझे लगता है कि आप दिल्ली के अध्यापक हैं। हमें कोई छोटे बड़े भाई है, कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है। देखिए, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुझे एक जिम्मेवारी दी थी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन आप सबकी भावना के अनुरूप मैंने करने की कोशिश की है। अगर मुझे पहले से पता होता बीच था कि भाई सर्वसम्मति से हो जाएगा, वो हो नहीं पाया, इसलिए सब प्रक्रिया थोड़ा सा डिले हुआ है। बड़ी बहुत आपकी भावनाएं, हो सकता है कहीं कुछ लगा होगा भी डब्बा जी किसी पक्ष ले रहे हैं, विपक्ष लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए ऐसा ही देवेंद्र, ऐसा ही डीके सब बराबर है। यहाँ पर होने के बाद तो साथियों, आपने जिस सूझबूझ का परिचय देते हुए, जिस शांति के साथ मतदान किया है, मैं उसके परिणाम आपके सामने डिक्लेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये किसी की हार या जीत नहीं है, ये जीत है। तो मात्र हरियाणा राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा की जीत है, ये जीत है तो आप सबकी जीत है। किसी गुरु की नहीं है, दल की नहीं है, विशेष की नहीं है, ये जीत है तो हमारे प्राथमिक अध्यापकों की जीत है। तो साथियों, यहाँ से कोई साथी ये समझ के जाएगा कि मैं जीत गया, हार गया, जो जीतने वाला साथी अहंकार निकलेगा और हारने वाला साथी मायूस नहीं होगा। ये कोई कुंभ का मेला नहीं जो 12 साल में आएगा, 3 साल बाद चुनाव है, हर 3 साल बाद होते रहेंगे। इसलिए हम अध्यापक लोग इस कर्म क्षेत्र में अपने कर्म से अपना स्थान बनाएंगे। और अब जो जनता है, सबसे पहले मैं नीचे से दो नाम थे, शीशपाल जी और जितेंद्र जी। जितेंद्र जी को 15 मतों के साथ विजयी घोषित किया गया। उसके बाद महासचिव जी, महासचिव के पद के दो दावेदार थे, राजेश जी और सुरेश जी। सुरेश जी 14 मतों के साथ विजयी घोषित किए जाते। उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए दो नाम थे, श्री जगजीत सिंह जी और श्री तरुण सुहाग जी। श्री तरुण सुहाग जी 13 मतों के साथ विजयी घोषित किए। साथियों, दो मिनट का प्रश्न का समय दीजिए। ये किसी भी कार्यकारी प्रदर्शन अभद्रता प्रदार्थ से बाहर होगी। प्लीज प्लीज।